ओके सो आज की क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और उसमें अपना फर्स्ट मेथड है वुड्स रिएक्शन, वुड्स की अभिक्रिया से। वुड्स अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, ठीक है, और शुष्क विलायक, इसमें शुष्क ईथर जो होगा वो हम लेंगे, ड्राई ईथर का प्रेजेंस में हम ये अभिक्रिया करवाते हैं। और ड्राई ईथर का मतलब हो गया डाई एथिल ईथर, C2H5O, C2H5। इस विलायक की प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं। और इसमें जो एल्किल हैलाइड लेते हैं वो एल्किल क्लोराइड ले लेंगे, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड होगा, लेकिन एल्किल क्लोराइड इस अभिक्रिया के दौरान नहीं लिया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ हमारा जो एल्किल हैलाइड है उसके दोनों एल्किल समूह एक दूसरे के साथ में जुड़ करके एल्केन बनाएंगे और टू हमें मिल जाएंगे NaX, ठीक है, ये वाली अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा कि हमारे एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन थे, राइट, उसकी तुलना में हमें जो एल्केन मिलेगी उस एल्केन में कार्बन क्या होंगे, डबल होंगे। तो पहला जो कंडीशन है, पहला जो इसके एक तरह से आप प्रॉपर्टी मान सकते हो वो ये कि हमको हायर एल्केन्स इससे मिलते हैं, उच्च एल्केन है वो इस अभिक्रिया से मिलते हैं। दूसरा, इस अभिक्रिया से आप डिजायर्ड कार्बन वाला, कितने कार्बन की आपको एल्केन चाहिए उतने कार्बन की एल्केन आप इससे प्राप्त कर सकते हो। डिजायर्ड एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड, डिजायर्ड एल्केन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितने होने चाहिए वो आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक गुण हो गया। तीसरा, एल्केन विद ओड नंबर ऑफ कार्बन, ये भी इससे क्या हो सकता है, बनाई जा सकती है। तो वुड्स अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया है, ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। तीसरी बात, हायर एल्केन बनते हैं, डिजायर्ड एल्केन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो लास्ट है वो ये कि इससे आप विषम संख्या वाले, विषम कार्बन संख्या वाले एल्केन इससे आप बना सकते हो। तो एक बी आर, इसकी आप अभिक्रिया करवा रहे हो किसके साथ में, सोडियम के साथ में, और दो आपको क्या लेने हैं, CH3Br, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये हो रही है ड्राई ईथर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन हो रही है। तो हमको क्या मिल जाएगा, एथेन मिल गया, प्लस इसमें दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे NaBr के। तो ये वो अभिक्रिया थी जिसमें हमने क्या किया, दोनों एल्किल हैलाइड एक जैसे लिए। अब अगर आप चाहो कि इसमें आप दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड लो, ठीक है, तो क्या होगा, हमें जो उत्पाद मिलेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। जैसे देखो, आपने ये ले लिया, क्या एक तो ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, तो इससे उत्पाद क्या क्या बनेंगे। पहला जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, इसमें बनेगा एथेन। दूसरा उत्पाद इससे क्या बनेगा, इससे दूसरा उत्पाद बनेगा ब्यूटेन, और तीसरा उत्पाद इससे क्या बनेगा, वो बनेगा इससे प्रोपेन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के एल्केन इस अभिक्रिया से बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप वांछित कार्बन वाला एल्केन, जो एल्केन आप चाहते हो वो इस अभिक्रिया से बना सकते हो, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको एल्किल हैलाइड उसी के अनुसार लेना जो आप एल्केन बनाना चाह रहे हो। सो ये अभिक्रिया है वुड्स की अभिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हमारे पास CH3 कितने यूज किए हमने, 3 CH3 काम में ले लिए और C2H5 भी 3 काम में ले लिए, ठीक है, और ये हो गए अपने 6 सोडियम इसमें आ जाएंगे, तो बन गया ये 6 NaBr।
तो ये हो गया इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, इस पर्टिकुलर वुड्स रिएक्शन की। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या है, क्रिया विधि क्या है, कौन कौन से पदों से ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, सो जो अभिक्रिया है वो आपको, आपने देखा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जो अभिक्रिया होगी वो डिपेंड करेगी मीडियम ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। इसमें दो प्रकार की इसमें मैकेनिज्म है, मीडियम ऑफ द रिएक्शन पर। अगर हम क्या करें, लिक्विड मीडियम में करवाते हैं, ठीक है, लिक्विड मीडियम में यदि हम करवाते हैं तो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया होगी आयनिक क्रिया विधि से। ठीक है, मतलब इसमें आयन्स बनेंगे, आयनिक आयन बनेंगे इसमें। और अगर हम किसमें करवा रहे हैं, मान लो कि हम इसको, इस रिएक्शन को करवा रहे हैं वेपर फेज में, वेपर फेज में जब अभिक्रिया को करवाएंगे तो इस अभिक्रिया में बनते हैं फ्री रेडिकल्स, तो ये होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी, अभिक्रिया करती है अभिक्रिया माध्यम पर निर्भर। तो यहां पर दो प्रकार के इसमें मैकेनिज्म संभव है, पहली है आयोनिक मैकेनिज्म, इसकी हम बात करते हैं आयोनिक मैकेनिज्म की, आयोनिक क्रिया विधि। ठीक है, आयोनिक क्रिया विधि जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आयंस बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो अपना एल्किल हैलाइड होगा उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है सोडियम धातु के साथ में। तो सोडियम धातु के साथ में ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाता है कार्ब एनियन बनाएगा। ठीक है, आर माइनस बनाना, आर माइनस का मतलब क्या हो गया, कार्ब एनियन बना, और प्लस इसमें बन जाएगा एन ए एच, तो सोडियम के हम लेंगे टू पीस। और ये जो रिएक्शन हुई है ये SN2 मैकेनिज्म से हुई है। सो SN2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया इसको सेकंड यूनिट में अपने था SN2 मैकेनिज्म। अब इस फर्स्ट स्टेप में जो अपना एल्किल सोडियम बना है ये क्या है, एल्किल सोडियम, ये जो एल्किल सोडियम है ये चूंकि आयनिक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो अपना एल्किल ऋणायन होगा, एल्किल नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसी है, कार्बेनियन है क्योंकि कार्बन पर ही होना है ये नेगेटिव चार्ज, वो क्या करता है उसके बाद में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा आर आर। यहाँ पर इसमें जब एक्स निकलेगा तो आर किसको फॉर्म में रहेगा, आर प्लस के फॉर्म में, एक्स चूंकि क्या है यहाँ पर हेलोजन है, तो वो क्या करेगा, वो हैलाइड के फॉर्म में निकलेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, राइट। और वो जब यहां से निकलेगा तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर आर के ऊपर प्लस चार्ज छोड़ करके जाएगा, तो ये आर प्लस और आर माइनस क्या बना देंगे, अपना एल्केन बना लेंगे। और उस उसी क्योंकि इसी रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम होगा तो वो सोडियम इसके साथ में जुड़ करके क्या बना देगा, एन ए एक्स का फॉर्मेशन कर देगा, राइट। सो ये इसकी मैकेनिज्म है, आयनिक मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बता देता हूं इसको, जैसे मान लो कि हम इथाइल हैलाइड इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ में, तो ये बनाएगा CH3CH2Na+NaX। ठीक है, इसने क्या बनाया, इथाइल सोडियम बना दिया, और ये जो इथाइल सोडियम है ये अगले स्टेप में रिएक्ट कर लेगा किसके साथ में, CH3CH2X के साथ, तो बन गया अपना ये बन गया C2H5, और C2H5 मतलब क्या बना, ब्यूटेन बन गया, राइट। सो ये हो गई आयनिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस आयनिक मैकेनिज्म में क्या हुआ है, इस आयनिक मैकेनिज्म में हमें आयंस मिलते हैं, राइट। आर के ऊपर दोनों प्रकार के चार्ज, मतलब कार्बन के ऊपर दोनों प्रकार के चार्ज आपको देखने को मिलते हैं, प्लस और माइनस। अब ये जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई है, इस रिएक्शन में जो ब्यूटेन बना है उस ब्यूटेन के बनने के साथ साथ इसमें एक अभिक्रिया
और होती है, ठीक है। इसी रिएक्शन मिक्सर में वो अभिक्रिया होती है, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो इसमें कार्बेनियन तो बनता ही है, प्लस ये कार्बेनियन क्या करेगा, इस एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा। तो एल्किल हैलाइड के साथ में जब ये रिएक्शन होगी तो ये क्या करता है, यहां से एक हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और इस हाइड्रोजन के ट्रैप होने के बाद में हमें ये दो प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन के दौरान देखने को मिलते हैं, इथेन प्लस इथीन। मतलब ये एल्कीन भी इस अभिक्रिया के दौरान बनती है। तो एल्केन बनी है, तो इसमें क्या हुआ है, इस एल्कीन के बनने में हमें क्या देखने को मिला, एक हाइड्रोजन का यहां से विलोपन हुआ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। तो ये हो गया यहां पर एलिमिनेशन, राइट, हो गई E2 टाइप की। तो ये आयनिक मैकेनिज्म है जिसके दौरान आयन्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तब होती है जब हम रिएक्शन को वेपर फेज में करवाते हैं। वाष्प प्रावस्था में अगर हम अभिक्रिया को करवाते हैं तो वहां पर क्या होगी, रिएक्शन वेपर ऐसे होगी। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये सोडियम के साथ में रिएक्ट करके, आप जानते हैं सोडियम है मेटल है और रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, आर को, और ये बना देगा आर फ्री रेडिकल प्लस NaX। ये जो आर फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में दूसरे आर के साथ में मिलकर के बना देता है एल्केन, सेकेंड स्टेप में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एग्जांपल जैसे मान लो देना चाहें तो C2H5X+Na, तो बन जाएगा C2H5 रेडिकल प्लस NaX, और 2C2H5 फ्री रेडिकल विल कंबाइन टू गिव द प्रोडक्ट, ये बन गया अपना ब्यूटेन, राइट। सो ये अपना हो गया सेकेंड स्टेप, और इसमें भी एक थर्ड स्टेप भी होता है। तो थर्ड स्टेप में भी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि हम लोगों ने अभी एक लास्ट में देखा था एल्केन और एल्कीन दोनों के बनने वाला, तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट बनता है, और इससे इथेन प्लस इथाइन बनते हैं। ये हो गया अपना वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को दोनों मैकेनिज्म इसमें समझ में आई होंगी। वुड्स अभिक्रिया सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं, बस एक एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करवाना आपको सोडियम के साथ में, और कंडीशन ये याद रखनी है कि इसको ड्राई ईथर में करवाना। अब इसका एक मॉडिफाइड रूप है, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये भी अपने सिलेबस में है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन का अपग्रेडेड वर्जन आप बोल सकते हो, इसका अपग्रेडेड वर्जन है वो क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, वहां पर ये वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों जो अपने एल्किल हैलाइड होंगे वह तो या तो एक जैसे हो सकते हैं या दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एक जैसे होंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और दोनों अलग अलग होंगे तो उस स्थिति में हमको तीन प्रकार के एल्केन वहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। अब और अगर हम विलोपन अभिक्रिया को भी इंक्लूड कर लें तो मैं कहूंगा कि चार प्रकार के हमको वहां पर एल्केन देखने को मिलते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग होंगे और उनमें से एक अनिवार्यतः क्या होगा, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड होगा, राइट। तो ये रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में, राइट, किसकी प्रेजेंस में करेगा, वो आपको पता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेगा। तो अब देखो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एल्किल यहां पर आ जाएगा, तो ये बन गया ना
प्रोडक्ट, यहां पर आर प्लस, यहां मैं लिख दूंगा टू एन ए एक्स। तो ये है अपनी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस अभिक्रिया से हम जो रिंग है बेंजीन रिंग, उसका एल्काइलेशन इजीली करवा सकते हैं। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग, राइट। इस अभिक्रिया से एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग इजीली हो जाता है। तो ये इसका मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी अभिक्रिया के दौरान बनेंगे, जैसे दो बेंजीन रिंग भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये दोनों एल्किल समूह भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। सो अभिक्रिया के दौरान हमें यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि हम दो अलग अलग इसमें एल्किल हैलाइड्स ले रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान अलग अलग उत्पाद देखने को मिलते हैं, राइट। ओके, अब ये तो हो गया अपने सिलेबस का। अब हम बात करते हैं जो सिलेबस के अलावा है उनके बारे में। सिलेबस के अलावा जैसे आप, एक तो एल्किल हैलाइड का हमने ये सिंपल पढ़ ही लिया, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? एल्किल हैलाइड से और भी बहुत सारे मेथड से, एल्किल हैलाइड से और भी बहुत सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एल्केन को बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का हमको क्या करना है, रिडक्शन करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम लोग, इसका हमको क्या करना है, रिडक्शन करना है, राइट। इसके साथ में एक एच को हमको जोड़ना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड के साथ में आप एक एच जोड़ोगे तब तो जाकर के ये एल्केन बनेगा, राइट। तो इसको रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे जेडन प्लस डाइल्यूट एचसीएल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जेडन सीयू और एथिल एल्कोहल को यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें यूज करते हैं सोडियम मरकरी और एथिल एल्कोहल को यूज किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम मरकरी और एथिल एल्कोहल को यूज करते हैं इसमें। फिर इसमें टिन और एचसीएल को यूज किया जाता है, क्लिमेंसन रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें एक, इसके अलावा जिंक और कॉपर को यूज करते हैं। फिर इसमें जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज किया जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन सिंपल सी है। इसमें जो एल्किल हैलाइड का एक्स है उसकी जगह पर हमको क्या लेकर के आना है, इसमें उसकी जगह पर अपना हाइड्रोजन लेकर के आना है। तो यहाँ पर आप जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उस ऊपर जो मैंने साथ लिखे हैं उनमें से कोई भी एक एजेंट लेंगे और उसके बाद में ये आपका बन जाएगा आर सी एस थ्री। सो इसके 2 मोल और इसके 2 मोल, तो ये बन गया एल्केन प्लस, इसमें बन जाता है एच एक्स, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। और इस रिडक्शन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जितने मैंने लिखे हैं, सातों प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं, सभी में क्या है, मेटल यहाँ पर उपस्थित है। तो इस अभिक्रिया के दौरान देखो, आपको एक चीज आपको यहां से देखनी है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सी एक्स बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, सी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अपना जो एच है वो ये भी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी है प्लस के रूप में, तो प्लस प्लस तो जुड़ नहीं सकते ना, राइट। तो इस अभिक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो इसमें मेटल ले रहे हैं, तो मेटल का काम क्या होगा, मेटल यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 है या 2 है या 3 है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, बाहर निकालता है। और वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा किसको, जाकर के अपना जो एल्किल हैलाइड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, प्लस जो अपना कार्बोकेटाइन बना है वो कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट होगा, कार्ब एनियन में। और इस, ये जो कार्ब एनियन है ये उसके बाद में कार्बेनियन, राइट, कार्बेनियन उसके बाद में एच प्लस के साथ में मिलकर के क्या बना लेगा, अपना एल्केन, राइट। तो ये इतने रिड्यूसिंग एजेंट है, और जनरल जो रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको। इसलिए इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग करके हम किल
हैलाइड को आसानी से एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, इन सात के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, देखो यूज क्या क्या किया जा सकता है। इसके अलावा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, सो इनको कब उपयोग करेंगे हम? इनका उपयोग हम तब करते हैं जब हमको प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को क्या करना हो, रिड्यूस करना हो। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को जब हमको रिड्यूस करना होता है तब हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। सिंपल जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स का यूज करके, जैसे निकेल, प्लेडियनियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनका यूज करके और H2 के साथ में इनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक यूज करके इसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और मेथड है, इसमें जो एल्किल हैलाइड होगा उस एल्किल हैलाइड को फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में भी रिएक्ट करवा करके हम क्या कर सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। तो ये इतने सारे मेथड्स हैं एल्किल हैलाइड्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? तो आई होप आप लोगों को जो समझ में आना चाहिए वुड्स वाला मेथड वो आप लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो अपने सिलेबस में। बाकी तो मैं आप लोगों को वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई आपको ध्यान में रहे, इसलिए ध्यान में रहे क्योंकि अगले साल सेकेंड ईयर में एल्किल हैलाइड की आपकी पूरी एक यूनिट है, तो यहाँ से आप जो पढ़ के जाएंगे वो आपको वहां पर भी काम आएगा उसमें भी। ठीक है, तो ये हो गई सॉरी सेकेंड मेथड अपना, इसको एल्किल एल्केन्स को बनाने का सेकेंड मेथड है। अब इसके अलावा एक दो मेथड के बारे में और बात करते हैं हम लोग। जैसे एक मेथड है, थर्ड मेथड इसको मैं कहूंगा, ये मेथड है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है, आप लोग जानते ही होंगे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहा जाता है। तो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को की अभिक्रिया अगर हम क्या करें, अभिक्रिया अगर हम करवा दें किसके साथ में, आप इसकी रिएक्शन अगर करवा दो वाटर के साथ में, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एल्केन वहां पर मिल जाता है। और ये जो आर होगा वो आर समूह क्या कर सकते हो, आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। कैसे, आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना और उसको मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवा देना है ड्राई ईथर में, तो आपको मिल जाएगा RMGX। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या लेते हो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपके एल्केन की के R का मान। तो जो जिस चॉइस का जैसा आप बनाना चाहो वैसा आप इसमें क्या कर सकते हो, वैसा ही आप इसके केस में एल्केन प्राप्त कर सकते हो, राइट? सो ये हो गई ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। और इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे आप कार्बोनिल कंपाउंड से भी इसको बना सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे एक है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन से। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन या अपचेन का मतलब क्या है, रिडक्शन या अपचेन का मतलब है कि हाइड्रोजन तो आकर के जुड़े या फिर ऑक्सीजन वहां से निकले, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो या नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़े, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो, ये सारी जो स्थितियां हैं वो क्या कहलाती हैं, वो रिडक्शन वाली स्थिति है। तो यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन जो होगा उसमें हम ये अपने कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करते हैं। जैसे ये एक आपके पास में एक कीटोन है, अगर दोनों एल्किल समूह है यहाँ पर, तो ये एक कीटोन है जो कि ZN और HG कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ये बना देती है RCH2। जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 यूनिट में, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ना है, तो इसलिए ये रिएक्शन भी आप लोगों के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट? सो कुछ रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने अभी
बात की जिनका उपयोग करके हम एल्केन को बना सकते हैं। तो ये चार ही मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एल्केन को बनाने की जो विधियां हैं उसमें इन चार मेथड्स के बारे में ही में भी आपको वुड्स और वुड्स फिटिंग को विशेष रूप से समझना है और उसको याद रखना है, क्योंकि वो अभिक्रिया आपके सिलेबस में, इसलिए वो आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आज की इस क्लास में हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसके बारे में बात करते हैं? इसके बाद अलावा हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, और किसके बारे में बात करेंगे? और हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी के बारे में, राइट। तो भौतिक गुणों में हम इन सारे भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो एल्केन है वो गैस, द्रव और ठोस तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो इसके जो प्रारंभिक सदस्य हैं C1 से लेकर के C4, मतलब ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 4 के बीच में है, वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं, राइट। और इसके बाद में C5 से लेकर के C17 तक होंगे, वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। और उसके बाद में जो इससे ऊपर वाले हैं C18 एंड हायर, ये किसके फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड, सॉरी, ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो गैस और लिक्विड हैं वो दोनों क्या होंगे आपके? इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है, तो ये ओडोरलेस होते हैं। ठीक है, ओडोरलेस होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आएगी। और उसके साथ साथ लिक्विड होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस भी होंगे, किसी भी प्रकार का इनमें कोई कलर नहीं होगा। तो एल्केन तीनों प्रकार की फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। हम लोग गैसीय स्टेट वाले से परिचित हैं, मेथेन से, ब्यूटेन और प्रोपेन हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि हम लोग इनका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। एल्केन के जो गलनांक और क्वथनांक है वो जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। जैसे जैसे इनका अणु भार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे? इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ते चले जाते हैं। परंतु अगर हम तुलना करें किसको, एक नॉर्मल एल्केन को, नॉर्मल एल्केन की तुलना करें हम किसके साथ में? ब्रांच्ड एल्केन के साथ में। ठीक है, जैसे नॉर्मल एल्केन आपका हो गया, नॉर्मल एल्केन हो गया जैसे ब्यूटेन CH3, CH2, CH2, CH3, और इसी का आइसोमर हो गया, ब्रांच्ड एल्केन हो गया CH3, CH, CH3, CH3, 2-methyl propane हो गया। तो इसमें अगर इन दोनों का हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल जो एल्केन होंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा होगा, किसकी तुलना में? ब्रांच्ड की तुलना में। ठीक है, स्ट्रेट चेन, राइट, स्ट्रेट चेन जो होंगे, सीधी श्रृंखला वाले जो एल्केन होंगे उनके गलनांक और क्वथनांक का मान शाखित एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो अशाखित एल्केन होंगे, जो स्ट्रेट चेन एल्केन होंगे, उनके केस में क्या होता है? उनका जो सरफेस एरिया होगा, जो उनका सतह का जो क्षेत्रफल होगा, वो सतह का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत किसकी तुलना में? शाखित एल्केन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो इस ये अधिक होने के कारण क्या होगा? इनके जो वांडरवाल जो फोर्स इनके बीच में लगेंगे वो वंडरवाल फोर्स की का मान ज्यादा होगा। दूसरा, जब ये सरफेस एरिया ज्यादा होता है, राइट, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे आप ये मान सकते हो कि स्फेरिकल की जैसे उसकी शेप, स्फेरिकल एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट उससे मिलती जुलती शेप होगी, और उनकी जो पैकिंग होगी वो ज्यादा सिमेट्रिक या ज्यादा अच्छी होगी, तो वहां से उसको निकालना इजी हो जाता है। और जब वो स्ट्रेट चेन होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो पैकिंग जो होगी वो वहां पर वो इस टाइप से एक दूसरे के साथ में
एक तरह से साथ में, एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि उनको वहां से निकालना उतना इजी नहीं होता। तो इस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो शाखित एल्केन होंगे उनके, शाखित एल्केनों में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, उसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है। तो हमेशा ये याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जब आप, जब भी आप पढ़ोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर केमिकल के बारे में जब भी आप बात करोगे, ठीक है, किसी भी क्रियात्मक समूह के, तो वहां पर आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जरूर बात करनी है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ते हैं, बट जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के मान घटते हैं, कम होते चले जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। और जो क्रियात्मक समूह होगा वो भी प्रभावित करता है, तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह तो कोई है ही नहीं, ठीक है, ये नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ पर जो दूसरा, दूसरे जो फैक्टर होंगे, जैसे इनमें आयनिक अट्रैक्शन हो सकता है, वो यहाँ पर निष्प्रभावी रहेंगे। तो सिंपल सा सरफेस एरिया है वही इफेक्ट करेगा, या फिर इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ सरफेस एरिया जैसे जैसे डिक्रीज होगा, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ, शाखा बढ़ने के साथ साथ सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो अगर दो आइसोमर की आप बात करो, दो आइसोमर को कंपेयर करो, तो जहां पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग वहां उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इनकी बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। तो आप जानते हो कि ये नॉन पोलर है, इनमें कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, राइट। कार्बन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस है, बट वो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि वो इसको पोलरिटी प्रोवाइड करें। तो ये नॉन पोलर सोलवेंट्स में डिजोल्व होते हैं, आपके पोलर सोलवेंट जैसे कि वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, उसमें ये जनरली डिजोल्व नहीं होंगे, बल्कि ये किसमें डिजोल्व होंगे, ये होंगे कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, ठीक है, इनमें ये डिजोल्व होते हैं। ध्रुवीय जो विलायक होंगे उनमें ये सामान्यतया डिजोल्व होते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई एल्केन की, जिनको कि मैंने आप लोगों को बताया। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हो सकता है कि कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाए।